बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन डिपार्टमेंट्स में अभी जॉब्स आई हुई हैं और आप उन जॉब्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बिला तखीर आप तक पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, अभी जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जॉब्स आई हुई हैं जिनके लिए मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर वाले जो लोग हैं, मर्द और खवातीन दोनों पूरे पाकिस्तान से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2300 से अबव असामियां हैं जिन पर जो है अप्लाई किया जा सकता है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट आती है वो है पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है भर्तियां हो रही हैं, जिसमें सिपाही, क्लर्क, मिलिट्री पुलिस, सिपाही कुक, उसके बाद जो है सैनिटरी वर्कर, इसकी असामियां आई हुई हैं। और एजुकेशन जो है वो प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक रखी गई है और इंटरमीडिएट और DAE यानी कि डिप्लोमा होल्डर हजरात जो है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो असामियाँ आई हुई हैं वो है पाकिस्तान आर्मी में बतौर कैप्टन की, जिसके लिए FA, FSC, ICS, ICOM, DAE, BA, BSC और BCOM वाले जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं। उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो है असामियाँ आई हैं FPSC के थ्रू, जिसके लिए जो है मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। एज लिमिट जो है 35 ईयर रखी गई है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में असामियाँ हुई हैं जिसमें जो है प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पोर्ट में असामियां आई हुई हैं जिसके लिए जो है एज लिमिट 30 साल, तलीम, मैट्रिक और मिडल रखी गई है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि रेस्क्यू 1122 के अंदर आई हुई हैं। इस जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ KPK के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तलीम, मैट्रिक, मिडल और प्राइमरी रखी गई है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि फूड अथॉरिटी के अंदर जो है जॉब्स आने वाली हैं जिनकी अनकरीब अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान नेवी में जो है सिविलियन की भर्तियां आई हुई हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए 1900 से अबव असामियाँ हैं और मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तलीम, मिडल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट और बैचलर रखी गई है पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद फूड अथॉरिटी KPK के अंदर जॉब्स आई हुई हैं जिनके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और KPK के मर्द और ख़वातीन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर रखी गई है और एज लिमिट 30 साल रखी गई है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये तमाम जो जॉब्स हैं इनको आपने देखना हो, इनकी तमाम तफसीलात अगर आपने देखनी हो तो आपने सिंपली अपने जो है सर्चिंग के अंदर, यूट्यूब के सर्चिंग के अंदर आपने लिखना है सिया शिराज अहमद साइम, लिखने के बाद आपने करना है सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आपके पास चैनल आ जाएगा जिस पे आपने सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली जो है होम के साथ ही वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे तमाम जो वीडियोज हैं वो आ जाएंगी। इन वीडियोज के अंदर मैंने तमाम तफसीलात जो है वो बताई हैं इन जॉब्स के लिए कि अप्लाई किस तरह से करना है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए जो है उस पर क्लिक करके तमाम उसकी तफसीलात देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूं, जिस पर क्लिक करके ये चैनल जो है डायरेक्टली आपके सामने ओपन हो जाएगा।